कम्युनिकेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ पंजाई मतलब है इम्पोर्टेंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव जो हमारे लिए यूजफुल हो मुफीद हो, एक नेगेटिव जिसका हमारे और हम पे या हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे नेगेटिव असर होता है, इसे कहते हैं नेगेटिव इम्पोर्टेंस। सो नेगेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ पंजाई में सबसे पहले आते हैं पंजाई इज फूड स्पॉइलर, ये हमारे लिए खुराक खराब करते हैं। पंजाई स्पाइल द फूड, इट्स स्पाइल द ब्रेड, डबल रोटी को खराब कर लेते हैं, जैम को खराब कर लेते हैं, कुक्ड फूड को जो खुराक हम पका चुके होते हैं उनको खराब कर लेते हैं। पंजाई सीक्रीट सब्सटेंसेस इन दैट फूड, पंजाई उसमें ग्रोथ करके कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस सीक्रीट कर लेते हैं जो विच मेक द फूड अनपेलेटेबल, उनके जायके को खराब कर लेते हैं, उनको कार्सिनोजेनिक बना लेते हैं, यानी अगर हम वो खुराक खा लेते हैं तो इनसे हमें कैंसर हो सकती है, यानी उसमें इस तरह के पॉइजन वो बना लेते हैं जो कार्सिनोजेनिक हो, जो कैंसर काज कर सकते हो, और वो खुराक को जहरीला बना लेते हैं। कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो सिवियर डिजीज काज करते हैं प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन बीइंग में, इनमें से कुछ हम प्लांट्स के डिजीज पढ़ते हैं। देखिए प्लांट में ये फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को वगैरह को मुख्तलिफ किस्म के डिजीज काज कर लेते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया का 50% फ्रूट जाया होते हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से, यानी जो फ्रूट पूरी दुनिया में जो फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं उनका 50% फ्रूट जाया होते हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से। इसके अलावा पीच लीफ कर्ल डिजीज, आड़ू के लीफ कर्ल डिजीज, नशपाती के लीफ स्पॉट डिजीज, मिल्ड्यू डिजीज, ये कास करते हैं कौन, ये पंजाई कास करते हैं। रिट रॉट ऑफ शुगर केन, शुगर केन को खराब कर लेते हैं। पोटैटो ब्लाइट डिजीज, लेट ब्लाइट पोटैटो डिजीज, रस्ट ऑफ व्हीट इज कास बाय अ पंजाई हुज नेम इज पक्सिनिया, पक्सिनिया उस पंजाई का नाम है जो गंदम में रस डिजीज कास करता है। इस तरह अस्टिलागो जो है ना वो स्मट डिजीज लेके आते हैं गंदम में, जिससे दाने की जगह वहां पे ब्लैक पाउडर क्रिएट हो जाते हैं। दूसरे साइड पे एनिमल डिजीज, एनिमल डिजीज में डॉग्स में और हॉर्सेस में रिंग वॉर्म डिजीज जो है ना ये एक पंजाई कास करता है जिसका नाम है ट्राइकोपाइथन, दैट इज द नेम ऑफ पंजाई। एंड माइक्रोस्पोरम जो है ना ये भी रिंग वॉर्म डिजीज लेके आते हैं। इस तरह एस्परगेलिस के कई स्पीशीज है इस जीनस के अंदर जो कि एबॉर्शन कास करते हैं, अक्सर एनिमल में जो बच्चा वक्त से पहले जाया होता है तो इसे एबॉर्शन कहा जाता है। ये एस्परगेलिस फंगस की इंफेक्शन की वजह से होती है। इस तरह सेप्रोलेग्निया पेरासिटिका, यह भी एक पंजाई का नाम है जो कि पिशिस सलमन पिशिस कार्प पिशिस का पेरासाइट है। सेप्रोलेग्निया पेरासिटिका इज ए पेरासाइट ऑफ सलमन इन कार्प, ये तो एनिमल साइड से कुछ डिजीज थे। अब आते हैं ह्यूमन साइड से, ह्यूमन में भी मुख्तलिफ किस्म के डिजीज कास करते हैं, ह्यूमन के मुख्तलिफ पार्ट्स पंजाई के इन्फेक्शन के सबब बनते हैं, लेकिन इनमें से फंगस के इन्फेक्शन ज्यादातर स्किन को होती है। स्किन के जितने भी डिजीज होते हैं इसमें मोर देन 90 इन्फेक्शन आर बिकॉज ऑफ विच वन, फंगस राइजोपस एंड म्यूकरजाइगोमाइकाटा से ताल्लुक रखते हैं, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। That cause lungs disease, brain disease and gastric tissue disease. Gastric tissue को भी infection cause करते हैं, lungs को भी करते हैं, brain को भी करते हैं। इसी तरह microsporum purpur एक fungus है which cause dandruff, खुश्की जिसे आप लोग कहते हैं जो सिरों में होता है बालों में, वो जो है ना microsporum purpur की वजह से dandruff आती है। इस तरह candida species त्राट को, गले को, जेनिटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, लंग्स को, नेल को इन्फेक्शन कास करते हैं। न्यूरोस्पोरा एंड पेसेरियम कास कार्नियल इन्फेक्शन, आई के कार्निया रीजन्स को ये इन्फेक्शन कास करते हैं। इस तरह एस्परगिलोसिस एक डिजीज है जो एस्परगेल स्पीशीज कास करते हैं ह्यूमन को, उनके सिम्टम टोटली टीबी की तरह होते हैं, जिस तरह ट्यूबरक्लोसिस में सिम्टम्स होते हैं।
इसी तरह एस्परगिलोसिस डिजीज के सिम्टम्स भी इसी तरह होते हैं और ये एस्परगिलोसिस जीनस की इंफेक्शन की वजह से कॉज होती है। एथलेटिकस ह्यूमन बीइंग में एथलेटिकस डिजीज इट इज आल्सो कॉज्ड बाय व्हिच वन बाय फंगस। कहने का मकसद ये है हमने एनिमल साइड से ह्यूमन साइड से प्लांट साइड से मुख्तलिफ किस्म के डिजीजेस पढ़े जो के फंगस कॉज करते हैं, यानी फंगस का पॉजिटिव इंपॉर्टेंस के अलावा ये इतने जो है ना नेगेटिव इंपॉर्टेंस भी है।